उज्जैन जिले के बड़नगर में शिक्षा के क्षेत्र में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक अपनी मनमर्जी से बाज नहीं आ रहे हैं। समय से पहले ही स्कूल बंद कर देते हैं। शासकीय स्कूल होने का फायदा उठाते हुए साथी कई शिक्षक स्थानीय क्षेत्र के हैं, जिसका फायदा उठाकर शिक्षक अपने निजी कार्य स्कूल समय में ही करते हैं। ऐसा ही एक मामला बड़नगर तहसील के ग्राम बलुंदा कोरल के शासकीय माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल में देखने को मिला है, जहां पर पूरे स्कूल परिसर में ताले लगे हुए थे। साथ ही हमारी टीम वहाँ पहुँची तो 3:20 समय के शिक्षक आत्माराम गहलोत से बात करना चाहा तो उन्होंने बोला कि हम तो स्कूल के कार्य से बाहर जा रहे हैं और गोलमाल जवाब देते नजर आए। सभी बाकी शिक्षक भी स्कूल से नदारद मिले। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हजारों रुपए वेतन लेने के बाद शिक्षक अपना कार्य पूरी तरीके से और ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के आने वाले भविष्य हैं। इसलिए पालक निजी स्कूल की ओर रुख कर रहे हैं। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है और कुछ पर्यवेक्षकों की केंद्र अध्यक्ष की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि परीक्षा केंद्र पर बैठे बच्चों की बैठक व्यवस्था के लिए परीक्षण करेंगे। इसके बारे में जानकारी इनका नहीं, किस कारण से मतलब बंदे यदि वास्तविक तो में पाया गया तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर वह अन्य शिक्षक भी मौजूद नहीं थे, सभी स्कूलों पर ताले लगे हुए थे, माध्यमिक और प्राथमिक और दोनों स्कूलों पर ताले लगे हुए थे, तो इसकी पूरी जाँच करवाएंगे। और सर वहाँ अतिथि शिक्षक का कहना है कि हमने 3:30 स्कूल बंद कर दिया और सर घर चले गए। यदि ऐसा किया गया है तो गलत किया गया है, जांच करके कार्रवाई प्रस्ताव जिले से करेंगे की जाएगी। ये अभी 10 मिनट हुए, अभी कितनी बजे टाइम बताइए? 3:30। 3:30 बंद हो गया, सारे टीचर चले गए? हाँ चले गए। बच्चों को भी छोड़ दिया? हाँ। क्या नाम है आपका? राजा राम। क्या करते हैं? ये शिक्षक अतिथि। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।